महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से सियासी बवाल जारी है। सीएम पद को लेकर शिवसेना ने खूब ड्रामा किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी शिवसेना अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े। शिवसेना शरद पवार के रूप में नए दोस्त के दम पर अपना सीएम बनाने निकली, लेकिन शरद पवार राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। शरद पवार दूर की राजनीति करते हैं और हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। शरद पवार के पलटी मारने के बाद संजय राउत ने भी कहा कि शरद पवार को समझना बहुत मुश्किल है। शरद पवार के सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शिवसेना की सीएम पद की उम्मीद टूट गई और अब तय है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसके संकेत संजय राउत ने दिया है। दरअसल शिवसेना की बात जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि शिवसेना वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन ना करे। इसके साथ ही शिवसेना को हिंदुत्व के एजेंडे को भी पीछे छोड़ना होगा। जिस वक्त शिवसेना की बात कांग्रेस एनसीपी से चल रही थी, उस वक्त संजय राउत वीर सावरकर पर बोलने से कन्नी काट रहे थे, क्योंकि होने वाले नए साथियों को वीर सावरकर के विचारधारा से दिक्कत थी। लेकिन शरद पवार के सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पवार ने कहा कि सरकार बनाने के बारे में सोनिया गांधी से कोई चर्चा ही नहीं हुई। उसके बाद संजय राउत भागकर शरद पवार से मिलने पहुंचे और शरद पवार से मिलने के बाद संजय राउत का सुर बदल गया। संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन शिवसेना करती रहेगी, हम वीर सावरकर के साथ हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि जल्द ही राज्य में लोकप्रिय सरकार बनने वाली है। इसके अलावा संजय राउत ने शिवसेना का सीएम होने की मांग पर भी चुप्पी साध ली। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने वाली है और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस सीएम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।